पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नाटो शिखर सम्मेलन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 38 देशों के प्रतिनिधि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो शिखर सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए वाशिंगटन में एकत्र हुए हैं। इसमें सभी नाटो सहयोगियों के साथ साथ यूक्रेन, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य सहित नाटो साझेदारों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं नाटो के बारे में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। बाद में ग्रीस और तुर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, अल्बानिया और क्रोएशिया, उत्तर मैसेडोनिया, फिनलैंड और स्वीडन शामिल हैं। नाटो मुख्यालय गठबंधन का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है। यह ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। चलिए अब देखते हैं नाटो के उद्देश्य। इसका स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। राजनीतिक उद्देश्य, यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को सुलझाने, विश्वास बनाने और अंततः संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। सैन्य उद्देश्य, यह विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसके पास संकट प्रबंधन अभियान चलाने के लिए सैन्य शक्ति है। ये कार्य नाटो के स्थापना संधि के सामूहिक रक्षा खंड वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के तहत या संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किए जाते हैं। नाटो ने अनुच्छेद 5 का प्रयोग केवल एक बार 12 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों के बाद किया था। चलिए अब देखते हैं नाटो कैसे कार्य करता है। नाटो के पास एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना है, लेकिन बहुत कम बल या परिसंपत्तियां विशेष रूप से उसकी अपनी हैं। अधिकांश सेनाएं पूर्ण राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण के अधीन रहती हैं, जब तक कि सदस्य देश नाटो से संबंधित कार्यों को करने के लिए सहमत नहीं हो जाते। सभी 32 सहयोगियों की बात समान रूप से सुनी जानी चाहिए। गठबंधन के निर्णय सर्वसम्मति और सहमति से होने चाहिए तथा इसके सदस्यों को गठबंधन के आधारभूत मूल्यों अर्थात लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। नाटो सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। दो, यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।